स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने एल्केन को यूज करते हुए एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन देखा था कि एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है एल्केन को एज अ रिएक्टेंट लेकर। ओके, इस क्लास में हम देखेंगे कि एल्कीन्स को अगर हम रिएक्टेंट के तौर पर ले एल्किल हैलाइड के लिए तो किस तरह से रिएक्शंस होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिलहाल तो एक बात यहाँ पे देखनी जरूरी है कि जो एल्कीन्स में रिएक्शन होगी वो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि अगर आप हैलोजन एसिड लाइक हैलोजन एसिड जैसे कि HCl हो गया, HBr हो गया या फिर HI हो गया, इनके साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो रिएक्शन कैसी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एल्कीन क्या करेगा? इनके साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। ओके, किस तरीके से देगा? तो यहाँ पे देखते हैं हम इसकी जनरल रिएक्शन। ये है आपकी एक एल्कीन। ओके, ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HX के साथ, क्लोराइड या ब्रोमाइड हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये जो है बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाता है पार्शियली नेगेटिव, और यहाँ पे ये जो है आपका पार्शियली पॉजिटिव होता है, ये पार्शियली नेगेटिव होता है। ओके, तो ये H जाके कहाँ जुड़ेगा? ये H जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये हेलोजन जाके कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से जब रिएक्शन होगी तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो ये क्या है? आपका एक तरीके का एल्किल हैलाइड है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो क्या हुआ है, यहाँ पे इसने मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो किया है, मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो किया है। ठीक है, यानी कि जहां पे हाइड्रोजन, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है वहीं पे जाके प्रोटॉन जुड़ता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, राइट। तो यहाँ पे ये क्या करता है, हेलोजन एसिड एल्कीन के साथ डबल बॉन्ड पर जो है वो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग ही एडिशन करता है। ओके, तो ये तो था कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, फॉलो HX या फिर आप कहें हेलोजन एसिड्स फॉलो मार्कोनिकोफ रूल। ठीक है, ऑन एडिशन, राइट। ओके, सेकेंड पॉइंट है यहां पे कि रिएक्टिविटी क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिएक्टिविटी, रिपीट हो रही है चीजें ना, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड पर सिलेबस में है, एल्किल हैलाइड नहीं, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। अच्छा है, बार बार रिपीट हो रही है, आपको बिल्कुल मुंह पे याद हो जाएगी ये चीजें, है ना, HI, HBr, HCl। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपने एल्कीन की रिएक्शन किसी हैलोजन एसिड के साथ कराई है पर यहां पे आपने लिया है पर ऑक्साइड, तो ये क्या करता है, फॉलो एंटी मार्कोनिकोफ रूल। फॉलो एंटी मार्कोनिकोफ रूल, राइट। यानी कि जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है
जिस कार्बन पर, उस कार्बन पर जाके हाइड्रोजन या प्रोटोन नहीं जुड़ेगा, वो कहाँ जुड़ेगा, जहां पे हाइड्रोजन कम है। ओके, तो यहाँ पे एल्कीन पर जो ये दोनों कार्बन जुड़े हैं, यहाँ पर आके हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये दो हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, यहाँ पे आके नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे आके कौन जुड़ेगा, यहाँ पे आके हेलोजन जुड़ेगा। तो ये इस तरह से जो है एल्किल हैलाइड हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है, और ये जो पूरी रिएक्शन होती है क्या होती है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। फ्री रेडिकल, सही से लिखना आप इसको, मैकेनिज्म। राइट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, तो ये थी एल्कीन की बात, कि एल्कीन के साथ जो हेलोजन एसिड्स है उनकी रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन किस तरह से होगी। ओके, कैसे रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। इसके साथ ही जो है वो नॉर्मल कंडीशन में कराएंगे तो हेलोजन एसिड जो है वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेंगे एडिशन के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है इसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके पास ये रहा हेलोजन एसिड्स का, राइट। और अगर परोक्साइड दे रखा हो तो ये क्या करता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है, और साथ ही ये पूरी रिएक्शन फिर किस तरीके से होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड को यूज करके आप किस तरीके से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल, CXCH3 और ये है NaI। ओके, एसीटोन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, एसीटोन सॉल्वेंट। ओके, नाम क्या है रिएक्शन का, मेथड का, हैलोजन एक्सचेंज, यानी कि हैलोजन का विनिमय करना है। यहाँ पे ये एक हैलोजन है हमारे रिएक्टेंट में, और जो रिएजेंट है उसमें भी हैलोजन है, तो एक्सचेंज हो जाएगा, ये हैलोजन लग जाएगा यहाँ पे और ये हैलोजन यहाँ लग जाएगा, सही है। तो एक्सचेंज और होती किसकी प्रेजेंस में है, एसीटोन सॉल्वेंट लिया जाता है इस रिएक्शन के द्वारा। ओके, और यहाँ पे जो ये एक्स होता है वो बेसिकली क्लोराइड होगा या फिर ब्रोमाइड होगा। ओके, एसीटोन की प्रेजेंस में करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है, क्योंकि एसीटोन में ही NaI जो है सॉल्यूबल होता है, NaI सॉल्यूबल होता है, सोडियम आयोडाइड जो है वो एसीटोन में सॉल्यूबल होता है, जबकि NaBr या सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड जो है वो एसीटोन में सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एसीटोन सॉल्वेंट लिया जाता है क्योंकि सोडियम आयोडाइड एसीटोन में सॉल्यूबल होता है, फाइन। ओके, तो एक्सचेंज रिएक्शन है, तो यहाँ पे कर देते हैं हम NaI यानी सोडियम आयोडाइड के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, तो ये जो है यहाँ पे लग जाएगा I आयोडाइड और ये जो बन जाएगा आपका NaX सोडियम हैलाइड, और यहाँ पे ये X जो है कुछ भी हो सकता है, Br या क्लोराइड। ओके, तो ये रिएक्शन इस तरीके से होती है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज नाम देख लो भाई, फिंकेलस्टीन रिएक्शन, बड़ा ही टफ नाम है, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, क्या किस नाम से जानी जाती है, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। याद रखना, कहीं पे भी नेम रिएक्शंस आ रही है आपको जो है वो तो विशेष रूप से जो है उस पे ध्यान देना है, ठीक है, नेम रिएक्शंस पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जा सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि अब तक तो हमने देखा कि यहाँ पे हम जो है आयोडाइड का एक्सचेंज कर, आयोडाइड को एक्सचेंज कर रहे हैं है दूसरे हैलोजन के साथ। यहाँ पे आप जो है एल्किल फ्लोराइड भी बना सकते हैं। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है कि एल्किल फ्लोराइड बनाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोसिव होता है, राइट। तो यहाँ पे
आप जो है वो फ्लोराइड एल्किल फ्लोराइड भी बना सकते हैं। वो किस तरह से बना सकते हैं, देखो ये लिया हमने हमारा रिएक्टेंट, ये लिया पोटेशियम फ्लोराइड, यहां पे जो है वो इथाइलीन ग्लाइकोल 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करवाया। तो जैसे ही रिएक्ट करवाया यहाँ पे जो ये ब्रोमोप्रोपेन था या प्रोपिल ब्रोमाइड है, ये इसका जो ये ब्रोमाइड है एटम, ये जो है वो इससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर आपको क्या मिल जाएगा, CH2F1 फ्लोरो प्रोपेन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा केविया। तो एल्किल फ्लोराइड बनाना इतना इजी नहीं होता है, बट यहाँ पे आप KF यानी पोटेशियम फ्लोराइड का इथिलीन ग्लाइकोल के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करा के आप एल्किल फ्लोराइड जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और एल्किल फ्लोराइड ये जो बना है या फिर जो भी एल्किल फ्लोराइड होगा, एल्किल फ्लोराइड, उसका जो मेल्टिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही जो है दूसरों की तुलना में, जो दूसरे एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी तुलना में कम होता है, ठीक है। दूसरों के एल्किल हैलाइड की तुलना में इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। और क्योंकि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो मिक्सचर से जो है कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर, मिक्सचर थ्रू डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन द्वारा आप इजीली जो है इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं मिक्सचर से। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम होता है, कम टेम्परेचर पे ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा और जो है इसे आप वेपर फॉर्म में कलेक्ट करके उसका फिर वापस से द्रवीकरण करा के आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, ओके। तो चलो ये था एक हेलोजन एक्सचेंज मेथड जिसके द्वारा आप जो है एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। मैकेनिज्म अगर देखें तो जनरल मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी मैकेनिज्म है इसमें। जैसे कि ये कोई आपने ले लिया एल्किल हैलाइड, राइट, यहाँ पे कोई आया आपका न्यूक्लियोफाइल, ओके। न्यूक्लियोफाइल क्या है, जैसे यहाँ पे ये एफ न्यूक्लियोफाइल है, वहां पे NaI यानी सोडियम आयोडाइड के केस में कौन था न्यूक्लियोफाइल, ये आई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। किस फॉर्म में रहते हैं ये, इसी तो फॉर्म में रहते हैं, तो ये क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये कोई आया न्यूक्लियोफाइल, अब इस न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया है ना, और यहाँ से ये एक्स निकल गया, और जैसे ही ये निकला तो यहाँ पे क्या लगा, वाई लग गया, ओके। और ये एक्स यहाँ से निकल गया और ये निकल के कहाँ जाएगा, अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करना है तो सोडियम के साथ निकल के NX बनाएगा, या फिर K के साथ पोटेशियम के साथ है तो KX बनाएगा, राइट। तो ये सिंपल से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पे कहेंगे कि मैकेनिज्म इसकी किस तरह की होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की मैकेनिज्म होती है, ओके। चलो ये हो गई यहां तक, अब नेक्स्ट देखते हैं हुंस्टिगर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगेन हुंस्टिगर रिएक्शन, फिफ्थ पॉइंट, किस तरीके से हुंस्टिगर रिएक्शन को यूज करके आप जो है वो एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हुंस्टिगर रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, एक मोनोकार्बोक्सिलिक कंपाउंड का सिल्वर सॉल्ट लेते हैं हम, क्या मोनोकार्बोक्सिलिक कंपाउंड का
सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, ये इसका क्या है, सिल्वर सॉल्ट लिया हमने, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था सी डब्ल्यू एच, एच हटाया, एच की जगह क्या लगा, सिल्वर आयन लगा, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, इसकी रिएक्शन हमने कराई ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन के साथ, कब, CCl4 के विलायक में, यानी सॉल्वेंट क्या लिया हमने, CCl4, और किया उन दोनों को हीट इस विलायक में, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, आपका यहाँ पे एल्किल हैलाइड बन जाता है, और ये यहाँ से CO2 निकला और यहाँ पे एक AgFPr मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ, राइट। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, एक तो क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है जिसकी वजह से CO2 निकल जाती है, ओके। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन प्रोसेस भी होता है, ठीक है, ब्रोमिनेशन भी होता है जिसकी वजह से Br यहाँ पे लग जाता है। तो दो दो हुंसडीगर रिएक्शन में दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है और दूसरा जो है वो क्या होता है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन प्रोसेस होता है, ओके। अब इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे हम देखेंगे मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करती है, ये जो है इसकी मैकेनिज्म होती है वो फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, राइट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ओके। अब देखो अलग अलग स्टेप्स है इसमें, टोटल चार स्टेप है। सबसे पहला स्टेप देखते हैं, स्टेप वन, स्टेप वन में क्या होगा, आपने लिया है ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, राइट, रिएक्शन करवानी है आपने ब्रोमीन के साथ, CCl4 आपका सॉल्वेंट है, विलायक है, ओके। और यहां पे सबसे पहले होगा, एक तो निकल जाएगा AgBr इजीली, राइट, और लगेगा क्या है यहाँ आके Br, ये दो Br थे, एक Ag के साथ एक Br निकल जाएगा, एक Br ऑक्सीजन पे जाके लग जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा AgBr, बेसिकली होता क्या है, Br Br इस फॉर्म में रहता है, ओके, यहाँ पे ये लग जाएगा, इधर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा अगर, तो ये इस पे तो आ जाएगा प्लस चार्ज, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, जो माइनस वाला है वो किसके साथ चला जाएगा, Ag प्लस के साथ, और जो प्लस वाला है वो किसके साथ चला जाएगा, O माइनस के साथ, राइट। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होती है। सेकेंड स्टेप, स्टेप सेकेंड में क्या होता है, स्टेप सेकेंड में आपका फ्री रेडिकल बनता है पहली बार। फ्री रेडिकल कैसे बनता है, होमोलाइटिक क्लीवेज से बनता है, यहाँ पे इस बॉन्ड का होगा होमोलाइटिक क्लीवेज और क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये इस तरीके से, ओके, फाइन। इसके बाद होता है स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में ये आपका है, ओके, अगेन यहाँ पे क्या होना है, अगेन यहाँ पे फ्री रेडिकल बनना है, कैसे, ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, और फिर जो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देगा, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा CO2, ठीक है। और स्टेप फोर, स्टेप फोर में क्या होता है, यहां से जो रेडिकल निकला ये वाला, वो ये जो मॉलिक्यूल है, बहुत सारे होंगे, ठीक है, रिएक्टेंट में जो मिक्सचर में कोई एक मॉलिक्यूल तो होगा ही नहीं, राइट। तो ये जो रेडिकल निकला ये क्या करता है, इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, जो मिक्सचर में अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल है ऐसे, तो दूसरे इस, ये नहीं कि ये वाले मॉलिक्यूल से, इसी तरीके के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। तो ये आ गया यहाँ पे रिएक्ट करने, राइट। और उस दौरान क्या होता है कि यहाँ पे भी वापस से ये तो हो ही रहा है, ठीक है, रेडिकल बन ही रहा है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये बन जाता है रेडिकल, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस पे,
तो ये हो गया बीआर, यहां से रिलीज, और यहां पे ये बन गया आरबीआर, और ये क्या निकला, ये निकला यहां से सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल। अब जो ये निकला ना ये वाला, इसमें क्या होता है, ये दिख रहा है थर्ड स्टेप, ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप जो आपको दिख रहा है ये फिर से रिपीट होता है, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप रिपीट होगा, फिर वापस थर्ड स्टेप, फिर वापस फोर्थ स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, तो इस तरह से रिपीटेशन होता ही रहता है जब तक कि पूरे मिक्सचर जो है वो एल्किल हैलाइड बना ना दे। ओके, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं बीआर के और आर रेडिकल के वो पूरे जो है एल्किल हैलाइड ना बना दे तब तक ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है, राइट। तो ये इस तरह की रिएक्शन यहाँ पे होती है, ये पूरा इसका मैकेनिज्म है कि किस तरह से आरबीआर बना, CO2 निकला, और साथ ही जो है वो क्या निकलता है, एक AgBr, राइट। तो यही हमारे रिएक्शन में हो रहा था जो हमने जनरल रिएक्शन देखी इसकी, है ना। तो ये है पूरी मैकेनिज्म, ये CO2, ये AgBr और ये आरबीआर, कंप्लीट हुआ यहाँ पे हुंसडीगर रिएक्शन। लास्ट है इसी में, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। सिक्स्थ रिएक्शन है क्रिस्टल फ्रेथ मॉडिफिकेशन। अब देखो लिखा हुआ क्या है, मॉडिफिकेशन, एक्चुअल में ये हुंसडीगर रिएक्शन का ही मॉडिफिकेशन है। ओके, क्यों बनाया गया, जो प्रोडक्ट होता है एल्किल ब्रोमाइड प्रोडक्ट उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हुंसडीगर रिएक्शन में कुछ चेंजेस किए गए। ध्यान से सुनना, जो ये एल्किल ब्रोमाइड बना है इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए हुंसडीगर रिएक्शन में कुछ संशोधन किए गए, कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, और फिर जो वो मॉडिफिकेशन करके जो रिएक्शन हुई उसे ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जिसने भी किया, क्रिस्टल फिट मॉडिफिकेशन कहते हैं। क्लियर है। तो बस पर्पस क्या था, ज्यादा मात्रा में एल्किल ब्रोमाइड बनाना। ओके, तो ये रिएक्शन इस क्रिस्टल फिट मॉडिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे आप लेते हैं सीधा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन करवा देते हैं इसकी ब्रोमीन के साथ, वो भी किसकी प्रेजेंस में, मर्करी ऑक्साइड की उपस्थिति में आप इसे गर्म कर देते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ मर्करी ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करने पर हमें आरबीआर मिलता है और साथ में CO2 निकल जाता है, ठीक है। तो ये थी क्रिस्टल फिट मॉडिफिकेशन रिएक्शन, फाइन। तो यहाँ पे आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड का वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड। ओके, चलो ये क्लास में इतना ही, यही पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।